हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पानीपत में होने जा रही रैली के लिए शुक्रवार को खरखुदा से पार्षद सुषमा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों का काफिला रवाना हुआ। पार्षद सुषमा ने कहा कि मौजूदा सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवाओं को रोजगार न मिलने से बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। खाद्य सामग्री से लेकर अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काफी दिक्कतें आ रही हैं। मौजूदा सरकार द्वारा प्रदेश में 6 लाख जरूरतमंद परिवारों के राशन कार्ड काटे जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए पानीपत रैली के लिए खरखुदा से सैकड़ों लोगों को ले जाकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विचारों को सुना जाएगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने यह यात्रा पहले चरण में कन्याकुमारी से लेकर नई दिल्ली से तक समापन किया था। अब दूसरे चरण में ये यात्रा यूपी से लेकर अब हमारे हरियाणा में आ रही है, तो हम इसका पूरे दल बल के साथ अपनी पार्टी को मुखर पदाल कैसे अपने दल बल को लेकर मैं इस महाकुंभ रैली में लेकर जा रही हूँ और हम अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे। जैसे इस बीजेपी सरकार ने महंगाई इतनी कर दी है, जैसे सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, युवाओं को नौकरी नहीं है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्होंने और एक ये राशन कार्ड इतने लोगों के काट दिए गए हैं, 6 लाख राशन कार्ड काट दिए गए हैं, कहाँ से इन्होंने नाच भी छीन लिया लोगों का, क्या खाएं इतने। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं हम, और हम आज पानीपत रैली में पूरे अपने दल बल के साथ में जा रही हूँ सुषमा पार्षद खरखुदा से। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।